आपको वो वक्त तो याद ही होगा जब इंडिया की स्टॉक मार्केट हिल गई थी और उसका रीजन था अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने का, जिसमें यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए थे। ये मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और मामले और समझते हुए इसमें अपने ऑर्डर्स पास करने पड़े। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की दी गई रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक्ट किया था और इन्वेस्टिगेशन को जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्रिटिक्स का मानना था कि एपेक्स कोर्ट ने सेबी और अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। हालांकि तब ये डिबेट थोड़ी थमसी गई थी, पर अब लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले के तहत उंगलियां उठाई जा रही है और उनकी फेयरनेस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे न्यू फाइंडिंग सामने आई है जो लाइमलाइट में है? इन सभी बातों का जवाब हम अपने इस वीडियो में बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में आर्म्स लेंथ डॉक्ट्रिन और ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर्स को रोबस्ट रेगुलेटरी आर्किटेक्चर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। ये प्रिंसिपल्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में फेयरनेस और इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं, लेकिन जब ये प्रिंसिपल्स वायलेट होते हैं तो ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठते हैं। इस कंटेक्स्ट में यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ नए एलिगेशंस लगाए हैं। ये एक्यूजेशंस तब आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की गई है जिसमें सेबी के अडानी ग्रुप के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस लगाए जिसमें अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन जैसे अक्यूजेशन शामिल थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू में मैसिव डिक्लाइन देखा गया, जिससे इन्वेस्टर्स का बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन एक्यूजेशंस को डिनाई किया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने सेबी को ये इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में कंप्लीट करने को कहा था और हाल फिलहाल में एडवोकेट विशाल तिवारी ने इस केस में पिटीशन डाली थी जिसमें कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अगस्त 5 को कोर्ट रजिस्ट्रार ने उनकी एप्लीकेशन को लिस्ट करने से मना कर दिया। विशाल तिवारी ने कोर्ट रजिस्ट्रार के डिसीजन के खिलाफ अपील डाली जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनकी एप्लीकेशन को लिस्ट ना करना उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तिवारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इन्वेस्टिगेशन प्रेफरेबली 3 महीने में कंप्लीट करने को कहा था, जो एक फिक्स डेडलाइन का इम्प्लीकेशन है। कोर्ट रजिस्ट्रार ने इस अपील को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि कोर्ट ने सेबी को स्टेटस या कंक्लूसिव रिपोर्ट सबमिट करने का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया था। तिवारी ने अपनी अपील में ये भी नोट किया कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाइम बाउंड करने की बात कही थी। वहीं दूसरी तरफ रीसेंट डेवलपमेंट्स में हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर एक्यूजेशंस लगाए हैं। हिंडनबर्ग का क्लेम है कि बुच कपल के हिडन स्टेक्स हैं ऑफशोर एंटिटीज में, जो अलेजेडली अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। माधवी बुच ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी होल्डिंग्स की डिटेल्स डिस्क्लोज किए हैं और जहां भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पोटेंशियल था वहां उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है। सेबी ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि उनके इंटरनल मैकेनिज्म्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए काफी है। पर हिंडनबर्ग रिसर्च का ये भी कहना है कि माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशियस फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स किए थे, जो अलेजेडली विनोद अडानी, गौतम अडानी के भाई द्वारा यूज किए गए थे। लेकिन बुच कपल का ये कहना है कि इन इन्वेस्टमेंट्स का अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था और ये इन्वेस्टमेंट्स 2018 में रिडीम कर लिए गए थे जब माधवी पुरी बुच ने सेबी ज्वाइन नहीं किया था। अब ये तो सभी को मालूम है कि किसी भी जुडिशियल या रेगुलेटरी सिस्टम में रिक्यूजल डॉक्ट्रिन काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का केस से रिमोट कनेक्शन भी हो तो उसे अपने आप को इन्वेस्टिगेशन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से अलग कर लेना चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और इम्पार्शियलिटी बनी रहे। माधवी पुरी बुच के केस में ये देखा गया है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटी होल्डिंग्स के डिटेल्स डिस्क्लोज किए हैं और जहां भी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था वहां उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च का ये नया रिपोर्ट इन डिस्क्लोजर्स और रिक्यूजल की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाता है। जनवरी 3, 2024 3-judge bench हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्रोब ऑर्डर को पास करने से डिक्लाइन कर दिया था। In its judgment, the apex court said market regulator SEBI was conducting a comprehensive investigation into the allegations and its conduct inspires confidence, reposing faith in capital markets regulator. और मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने
अडानी हिंडनबर्ग केस में एक 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के सस्पेक्टेड वायलेशंस में कुछ कंक्रीट एविडेंस नहीं पाए हैं। कमेटी ने ये भी कहा कि सेबी का ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एक जर्नी विदाउट अ डेस्टिनेशन बन गया है। ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सापरे के अंडर थी, उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सेबी की तरफ से कोई रेगुलेटरी फेलियर का एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने इफेक्टिव इन्फोर्समेंट पॉलिसी की जरूरत को एक्नॉलेज किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए एक्यूजेशंस इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड स्क्रूटनी को डिसमिस करते हैं और इनडायरेक्टली इंडियन जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस की फेयरनेस और नॉन प्रेजुडिशियल स्टांस पर सवाल उठाते हैं। अगर ये एक्यूजेशंस प्रूव होते हैं तो ये सिर्फ सेबी ही नहीं बल्कि इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के इंटीग्रिटी पर भी असर डालेंगे। लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन हिंडनबर्ग रिसर्च ने पब्लिक की है वो इनसफिशिएंट लगती है। अगर इन एक्यूजेशंस को क्रेडिबिलिटी मिलनी है तो इनके रिपोर्ट में कंक्रीट एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये एक्यूजेशंस हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी को खुद ही क्वेश्चन करेंगे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अपना पहला रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें अडानी ग्रुप पर ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम का इल्जाम लगाया गया था। ये रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ₹20,000 करोड़ FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से पहले आई थी। ये रिपोर्ट आते ही अडानी कंपनीज के शेयर की वैल्यूज में शार्प डिक्लाइन देखा गया, जिसकी वजह से FPO कैंसिल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इस केस में सेबी को स्पेसिफिक एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और सेबी ने अपनी प्रोब के 26 में से 25 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। सेबी ने अपने फाइनल इन्वेस्टिगेशन को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अगस्त 11, 2024 को सेबी ने अपना स्टेटमेंट इश्यू किया, जिसमें माधवी पूरी बुझ के खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस को डिनाई किया गया है। सेबी ने कहा कि माधवी ने अपने सिक्योरिटी होल्डिंग्स के रिलेवेंट डिस्क्लोजर्स टाइम टू टाइम किए हैं और जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पॉसिबिलिटी था वहां उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया है। सेबी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि उसने हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को थरली इन्वेस्टिगेट किया है और अब तक की इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर उन्होंने किसी रेगुलेटरी लैप्स को नहीं पाया है। ये स्टेटमेंट सेबी के इन्वेस्टिगेशन की इंटीग्रिटी को रीअफर्म करता है। अब कंफ्यूजन ये है कि किसका स्टैंड सही है, हिंडनबर्ग की एलिगेशंस का या फिर सेबी के स्टेटमेंट्स का। अडानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी अब सिर्फ एक कॉर्पोरेट बैटल नहीं रहा, बल्कि ये इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम, जुडिशरी और मार्केट इंटीग्रिटी के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। हिंडनबर्ग के नए एलिगेशंस ने सेबी और स्पेसिफिकली माधवी पूरी बुझ के इंटीग्रिटी को चैलेंज किया है, लेकिन अब तक ये एक्यूजेशंस अपने सपोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर चल रहा सेबी का इन्वेस्टिगेशन इस कंट्रोवर्सी का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। यदि ये इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल होती है तो ये इंडियन मार्केट्स के इंटीग्रिटी को रीअफर्म करेगी, लेकिन अगर ये एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो ये इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम के लिए एक मेजर सेटबैक होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजंस पर भी काफी उंगलियां उठ सकती है। इन सब डेवलपमेंट्स पर नजर रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ अडानी ग्रुप या सेबी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडियन जुडिशरी, इंडियन इकोनॉमी और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के इंटीग्रिटी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस न्यूज़।